और मेरा नाम है माही। आप देख रहे हैं फ्लैश रिएक्शन और आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं 50 फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट अक्षय कुमार। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और इसकी रिक्वेस्ट हमें भेजी है हमारी फ्रेंड ने, क्या नाम आयुष चौहान, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और तो इसी के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो आज हम उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करने वाले हैं, तो आप खुश हो जाए क्योंकि आज आप हैं हमारी वीडियो के स्टार। तो चले चलते हैं। वेलकम टू सोशल। अक्षय कुमार उन रेयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया है। आज के दौर के वो सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्म्स को ऑडियंस का रेगुलरली अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस वीडियो में हम आपको अक्षय कुमार के बारे में 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। नंबर 1, पॉपुलर होने से पहले अक्षय ने 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले किया था। अक्षय का कहना है उनका उस फिल्म में चेहरा नहीं दिखाया गया पर उनके कैरेक्टर का नाम अक्षय था, उसी चीज को देखते हुए उन्होंने अपना ऑन स्क्रीन नेम अक्षय रख लिया था। नंबर 2, अक्षय कुमार के फादर हरिओम भाटिया यूनाइटेड नेशंस में अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे, उससे पहले उनके पिता आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं। नंबर 3, अक्षय का मन पढ़ाई में तो लगता ही नहीं था, तो स्कूल में उन्होंने अपनी एक गैंग बनाई थी जिसका नाम ब्लडी 10 था। अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया कि सभी उनके ग्रुप से बहुत डरते थे। नंबर 4, अक्षय कुमार को मार्शल आर्ट्स के लिए उनके नेबर ने इंस्पायर किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 10th क्लास में थे तो उनके घर के पास एक लड़का रोज शो ऑफ करता था मार्शल आर्ट्स दिखाकर। इसी चीज को देखकर अक्षय ने भी अपना मन बना लिया कि वो मार्शल आर्ट्स सीखेंगे, जिसके लिए उन्हें बैंकॉक शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 5, अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और इस बेल्ट को पाने के लिए उन्हें 6 साल लगे। नंबर 6, सभी जानते हैं कि अक्षय ने बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में काम किया है, पर शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि उन्होंने ढाका के होटल में भी काम किया था और कलकत्ता में ट्रेवल एजेंट की नौकरी भी वो कर चुके हैं। नंबर 7, जब वो बैंकॉक से वापस आए तो उन्होंने कुछ समय के लिए एक ज्वेलरी वाले का काम भी किया। वो दिल्ली से कुंदन की ज्वेलरी लेकर मुंबई में बेचा करते थे। नंबर 8, अक्षय जब एक्टर बनने से पहले बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे तो एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए सिलेक्ट किया। वो एक फर्नीचर का मॉडलिंग शूट था और उसके लिए अक्षय को 5,000 रुपये मिले। यही देखते हुए अक्षय ने सोचा कि अगर मैं महीने में 5,000 रुपये कमाता हूँ तो मॉडलिंग में उतने ही पैसे मैं एक घंटे में कमा लेता हूँ। इसी बात को देखते हुए अक्षय ने एक फुल टाइम मॉडल बनने की ठान ली। नंबर 9, एक प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए अक्षय को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की ज़रूरत थी। उसके लिए अक्षय को एक स्टूडियो फोटोशूट करवाना था, पर वो उस वक्त इतना महंगा था कि अक्षय उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने एक फोटोग्राफर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो बड़े घरों की दीवारों के सामने जाकर अपना फोटोशूट करवाएंगे, क्योंकि बड़े घरों की दीवारों का पेंट और डिज़ाइन उनके फोटो के बैकग्राउंड को बहुत सूट करता। तो जब अक्षय वहाँ फोटोशूट करवाने लगे तो उनको एक वॉचमैन ने वहाँ से भगा दिया। और इंस्पायरिंग बात यह है कि अक्षय ने 10 साल बाद उसी दीवार के साथ जुड़ा हुआ घर खरीद लिया। नंबर 10, एक फोटोशूट के दौरान अक्षय की मुलाकात मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र सिंह से हुई। उन्होंने ही अक्षय को फिल्मों में आने की सलाह दी और उन्हें प्रमोद चक्रवर्ती को रेकमेंड किया। अक्षय ने भी उनका यह एहसान कभी नहीं भूला और आज भी नरेंद्र सिंह उनके पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। नंबर 11, प्रमोद चक्रवर्ती वो पहले डायरेक्टर बने जिन्होंने अक्षय को उनकी पहली फिल्म दीदार के लिए साइन किया था, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपये का साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। नंबर 12, वैसे तो दीदार अक्षय की पहली फिल्म थी, पर प्रोडक्शन में इश्यूज के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट बढ़ा दी गई और अक्षय की पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी सौगंध। नंबर 13, एक अच्छे फोटोशूट को पाने के लिए अक्षय ने 1.5 साल तक जयेश सेठ के साथ असिस्टेंट फोटोग्राफर का काम किया। अक्षय उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो अक्षय ने जयेश को कहा कि अगर आप मेरा पोर्टफोलियो शूट करेंगे तो मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा। नंबर 14, फिल्म सिंग इज ब्लिंग की शूटिंग के दौरान कई सीन्स पंजाब में फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान अक्षय ने देखा कि एक गांव में कितने ही घर बिना पेंट के बनाए हुए थे, तो उन्होंने पूरे गांव को पेंट करवाने की जिम्मेदारी ले ली। नंबर 15,
अक्षय जब बैंकॉक में काम किया करते थे तो उनके कमरे में 3 पोस्टर लगे थे, एक जैकी चैन का, दूसरा सिल्वेस्टर स्टेलोन का और तीसरा श्रीदेवी का। और इंस्पायरिंग बात यह है कि एक्टर बनने के बाद अक्षय ने श्रीदेवी और सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ काम भी किया है और जैकी चैन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। नंबर 16, अक्षय कुमार और श्रीदेवी ने 1994 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई और 10 साल बाद इसे बिना क्लाइमेक्स के ही रिलीज कर दिया गया। अक्षय ने इस बात का जिक्र कॉफी विद करण के लेटेस्ट सीजन में किया था। नंबर 17, फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए अक्षय कुमार ने दीपक तिजोरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर उन्हें इस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 18, ऐसा नहीं है कि अक्षय को मॉडलिंग का शौक सिर्फ मार्शल आर्ट टीचर बनने के बाद आया, उन्हें टीनेज में भी मॉडलिंग में इंटरेस्ट रहा। अक्षय ने ये फोटो 500 रुपये में खिंचवाई थी और सोचा था कि इसको देख के उनको कोई काम दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया वो हर जगह इस फोटो को लेके चले जाते थे और लोग उनकी इस तस्वीर का मजाक उड़ाते थे। नंबर 19, अक्षय सुपरस्टार बनने के बाद भी अपने पुराने दिनों के लोगों और चीज़ों के लिए बहुत सेंटिमेंटल हैं। उन्होंने अभी भी अपनी फर्स्ट बाइक और कार को संभाल कर रखा है। नंबर 20, फिल्म बाजीगर के लिए अब्बास मस्तान ने अक्षय को भी अप्रोच किया था, पर उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही नेगेटिव रोल नहीं करना था तो अक्षय ने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 21, सबको पता है कि अक्षय बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। वो 10 बजे से पहले सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उनका कहना है कि ये डिसिप्लिन लाइफ ही है जो उन्हें अपने काम के लिए डेडिकेटेड रखती है और तभी उनकी फिल्म्स की शूटिंग 40 दिनों के अंदर ही ख़त्म भी हो जाती है। नंबर 22, अक्षय अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज सुबह सुबह ही देते हैं। जब वो पहली बार कॉफ़ी विद करण में एज अ गेस्ट आए तो वो एपिसोड भी सुबह 9 बजे शूट किया गया और वो कॉफ़ी विद करण का पहला ऐसा एपिसोड था जो इतनी सुबह शूट हुआ हो। नंबर 23, सबको याद होगी फिल्म खतरों के खिलाड़ी में अक्षय और अंडरटेकर की फाइट, पर क्या आप जानते हैं कि जिस अंडरटेकर को मूवी में दिखाया गया है वो रियल अंडरटेकर नहीं बल्कि उनका एक आइडेंटिकल है जिसका नाम है ब्रायन ली, और 1994 में ब्रायन ली का असली अंडरटेकर के साथ मैच भी हुआ था। नंबर 24, अक्षय और अंडरटेकर के फाइट सीन के दौरान अक्षय को उनके बैकबोन में इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उनका कई महीनों तक US में इलाज भी किया गया था। नंबर 25, अक्षय का मानना है कि अगर वो एक्टर ना बनते तो वो जरूर नेवी या आर्मी में होते, शायद इसी कारण उन्हें आर्मी और नेवी के रोल्स अदा करने बहुत पसंद हैं। नंबर 26, जैसे अमिताभ बच्चन विजय नाम के कई यादगार कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं वैसे ही अक्षय कुमार ने 5 फिल्मों में राज मल्होत्रा नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। नंबर 27, सुपरस्टार बनने के बाद भी अक्षय कुमार अपनी फिल्म पुराने थिएटर्स में देखने जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अगर मुंबई में होते हैं तो रिलीज के दौरान वो चंदन सिनेमा या गेटी थिएटर जाके वो अपनी फिल्म ज़रूर देखते हैं। नंबर 28, अब्बास मस्तान की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट करना था, उसमें अक्षय को एक जंप मारनी थी। अक्षय ने प्रोड्यूसर से पूछा कि अगर ये सीन एक स्टंटमैन करता तो कितने पैसे चार्ज करता। प्रोड्यूसर ने कहा 10,000। फिर अक्षय ने उनसे 40,000 लिए और स्टंट खत्म करने के बाद उन्होंने 5,000 रुपये स्टंटमैन को दिए और बाकी पैसे प्रोडक्शन में हर एक काम करने वाले में बांट दिए। नंबर 29, फिल्म रेडी का मशहूर गाना कैरेक्टर ढीला है ओरिजिनली अक्षय की फिल्म खट्टा मीठा के लिए रिकॉर्ड किया गया था, पर अक्षय को ये गाना फिल्म की स्टोरी लाइन के हिसाब से ठीक नहीं लगा तो वीडियो शूट होने से कुछ दिन पहले ही इस गाने को साउंड ट्रैक से निकाल दिया गया और बाद में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने ये गाना फिल्म रेडी में यूज़ किया। नंबर 30, अक्षय एक टी टॉटलर हैं यानी वो शराब नहीं पीते, पर जब उन्हें 2012 में एक अल्कोहल ब्रांड के ऐड का ऑफर आया तो उन्होंने उसे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उस ऐड से कमाई 50% अमाउंट चैरिटी में डोनेट कर दिया। नंबर 31, अक्षय कुमार की कोई भी हिंदी फेवरेट फिल्म नहीं है, उन्हें इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटिफुल बहुत पसंद है और वही फिल्म उनकी ऑल टाइम फेवरेट भी है। नंबर 32, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म वाटर में जो रोल जॉन अब्राहम ने प्ले किया उसे ओरिजिनली अक्षय कुमार के लिए लिखा गया था, पर डेट्स ना मिलने के कारण अक्षय को इस फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर 33, अक्षय की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनकी एक साथ 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी,
अक्षय के लिए वो वक्त उनके फिल्मी करियर का सबसे मुश्किल वक्त रहा है। नंबर 34, 2001 में अक्षय कुमार ने अजनबी में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम किया था। नंबर 35, 2009 में जब अक्षय को मोस्ट पॉपुलर एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी जगह आमिर को इस अवार्ड को डेडिकेट कर दिया, क्योंकि अक्षय को लगा आमिर इस अवार्ड के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। ये अवार्ड अक्षय ने आमिर की गजनी मूवी को देखने के बाद उन्हें डेडिकेट किया था। नंबर 36, 2009 में अक्षय लिवाइस कलेक्शन अनबटन के लिए रैंप वॉक कर रहे थे, तो उसी रैंप वॉक के दौरान उन्होंने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को अपनी जीन्स का बटन खोलने को कहा और ये उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ब्रांड का नाम भी अनबटन था। पर इस इंसिडेंट के बाद ट्विंकल के खिलाफ ऑब्सिनिटी का केस दर्ज हो गया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। नंबर 37, अक्षय कुमार ने आज तक स्कूल बुक्स के अलावा कोई और बुक्स नहीं पढ़ी। इवन उन्होंने आज तक ट्विंकल खन्ना की भी लिखी हुई कोई बुक नहीं पढ़ी, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अपनी ज़िंदगी की पहली बुक पढ़ेंगे तो वो उनकी वाइफ की ही होगी। नंबर 38, अक्षय नीरज पांडे की फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं, चाहे वो उनकी डायरेक्टेड फिल्म हो या प्रोड्यूस्ड। पर जब नीरज ने धोनी के लिए सुशांत को कास्ट किया और पिक्चर बहुत कामयाब भी रही, तो अक्षय ने नीरज को रिवील किया कि उनका खुद बहुत मन था धोनी का रोल प्ले करने का, पर नीरज ने उन्हें समझाया कि धोनी के रोल में अक्षय बिल्कुल भी सूट नहीं करते। नंबर 39, फिल्म ब्लू की शूटिंग के दौरान अक्षय एक अंडर वाटर सीन शूट कर रहे थे तो उन्हें स्टंट करते हुए सर पर चोट आ गई और उनका खून निकलने लगा। अक्षय ने रिवील किया कि उस दिन अगर उनकी टीम उन्हें सही टाइम पर रेस्क्यू नहीं करती तो शायद वो मर भी सकते थे, क्योंकि जिस जगह ये सीन शूट हो रहा था उसके थोड़े ही पास शार्क्स को देखा गया था। नंबर 40, कितने लोग शायद नहीं जानते होंगे कि इंडिया की भी आइस हॉकी टीम है, पर फंड्स की कमी के कारण ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। पर अक्षय लगभग हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसे ही 2011 में फिल्म स्पीडी सिंह की शूटिंग के दौरान अक्षय ने इंडियन आइस हॉकी फेडरेशन को 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। नंबर 41, अक्षय को सबने टेलीविजन पर खतरों के खिलाड़ी और मास्टर शेफ होस्ट करते हुए देखा है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा रह चुके हैं, जिसका नाम था 7 Deadly Arts विद अक्षय कुमार। 7 Deadly Arts विद अक्षय कुमार, रविवार रात 8 बजे सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। नंबर 42, एक्टर बनने के बाद भी अक्षय कुमार फ्री वक्त में यंग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक वो 5,000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। नंबर 43, अक्षय हमेशा इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट करते नजर आते हैं, और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार की एक सोच थी कि कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां इंडियन सोल्जर्स जो अपनी ड्यूटी पे शहीद हो जाते हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। उन्हीं के आइडिया से गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट bharatkeveer.gov.in को बनाया। नंबर 44, साउथ इंडियन फिल्म थुपक्की, जिसका हिंदी रीमेक हॉलीडे है, अक्षय ने इस फिल्म के बनने से पहले ही इसकी स्टोरी लाइन के राइट्स ले लिए थे। उन्होंने डायरेक्टर A.R. मुरोगा डोस से कह दिया था कि चाहे आपकी फिल्म चले या ना चले, पर इस फिल्म के हिंदी रीमेक में मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगा। अक्षय को स्लीपर सेल्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आया था। नंबर 45, अक्षय कुमार ने डिशू मूवी में एक गे कैरेक्टर प्ले किया था। वो उनकी लाइफ का पहला ऐसा रोल था जिसमें उन्होंने एक होमोसेक्सुअल होने का कैरेक्टर अदा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली अपने आप को एक गे आइकन बताया और रिवील किया कि उनके फैंस में गे कम्युनिटी भी शामिल है, और एक मैचो मैन की इमेज पोर्ट्रे कैरी करने वाले अक्षय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ये रोल प्ले करने में। नंबर 46, आसिन और अक्षय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से सब वाकिफ हैं और इसी वजह से दोनों रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आसिन के हस्बैंड राहुल शर्मा को इनफैक्ट अक्षय ने ही आसिन से मिलवाया था। नंबर 47, अक्षय WWE के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए 2010 में जब रेसलर केन इंडिया आए तो अक्षय ने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया था। नंबर 48,
अक्षय ने 2017 में एक विमेन सेफ्टी सेमिनार के दौरान चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की, जहां उन्होंने रिवील किया कि उन्हें बचपन में एक लिफ्ट मैन ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया था। अक्षय ने इंसिडेंट इसलिए रिवील किया क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये बात अपने फादर को बताई थी, जिसके बाद उस मोलेस्टर को सजा भी मिली। इस इंसिडेंट से अक्षय ने ऑडियंस को एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों को अपनी बात रखने की फ्रीडम देनी चाहिए। नंबर 49। अक्षय कुमार ने एक पंजाबी धार्मिक गाना भी गाया है जिसका नाम है निर्गुण राख लिया। इस सॉन्ग से जितना भी पैसा कमाया गया उन्होंने मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स के विक्टिम्स में बांट दिया। नंबर 50। अक्षय बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और उनके फादर का मानना था कि पढ़ाई ग्रेजुएशन तक बहुत ज़रूरी होती है। जब अक्षय के नंबर कम आए तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें डांट लगा दी और कहा कि बिना पढ़ाई लिखाई के क्या करोगे। तो अक्षय ने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं एक्टर बनूंगा, और ये बात आने वाले कुछ ही सालों में सच भी हो गई। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो ऐसे और वीडियोस भी हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमने वीडियो, और कैसी लगी आपको? बहुत सी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी अक्षय कुमार के बारे में। मुझे तो ज्यादातर चीजें थी जो पता नहीं थी, इनमें से एक या दो चीजें और थी जो मैंने कुछ तो इवन ऐसी चीजें थी कि आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड यार। मतलब, और मुझे इस वीडियो को देखने से पहले ये नहीं पता था कि अक्षय कुमार इतने हम्बल हैं और वो लोगों के बारे में इतना ज्यादा प्रदर्शन है, लोगों को इतना लोगों को इतना ऊपर रखते हैं, पीपल उनके लिए बहुत जरूरी है। और उनकी जो एक स्ट्रगलिंग वाली एक जर्नी है। अच्छा, मुझे पता था कि उनकी स्ट्रगलिंग जर्नी है, बट ये नहीं पता था कि उनकी मतलब डिटेल नहीं पता था कि स्ट्रगलिंग जर्नी की ये डिटेल है और ये है। ज्यादातर जो बंदा खुद से आता है ऊपर, कामयाब लोग जो होते हैं, जो बनते हैं, उनके पीछे किस जो है ना बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी होती है। हां, और एक टफ जर्नी भी होती है। मुझे पता था कि वो रेस्टोरेंट में काम कर चुके हैं और शेफ हैं, और ये पता था मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था, बट ये नहीं पता था कि इतनी उनकी। हाँ, और ये भी नहीं पता था कि वो लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। पता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं पता था कि इस हद तक वो लोगों का ख्याल रखते हैं और वो वाकई में इतने अच्छे हैं। दिल उनका बहुत अच्छा है, तो ये और बात नहीं पता। मुझे पर्सनली कुछ टाइम से अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। असल में वो जो कॉमेडी करते हैं ना, और जो कॉमेडी जेस्चर है और कॉमेडी एक्सप्रेशन है, वो बहुत कमाल है। और उसकी वजह से हम उनकी कोई भी मूवी देखें जिसके अंदर इतनी कॉमेडी आपको लगे ना लगे, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस होती है, जब उनका डायलॉग होता है, जब उनकी प्रेजेंस आती है मूवी में, तो मूवी खुद ब खुद कॉमेडी हो जाती है और अच्छी लगती है। किस किस उनकी कॉमेडी मूवी की बात करें, चाहे वो हाउसफुल हो, हेरा फेरी हो, और जितनी भी अभी न्यू उनकी मूवीज हैं, गुड न्यूज़ थी, तो सारी नई पुरानी जितनी उनकी मूवीज होती हैं सब बहुत फनी होती हैं, बहुत अच्छी होती है यार। और अच्छा लगता है, जो कि कॉमेडी मूवीज लवर एंड के लिए तो मैं कहती हूँ कि फेवरेट होना चाहिए अक्षय कुमार। इवन वो अगर कोई रोमांटिक सीन भी करते हैं तो वो रोमांस में भी कुछ अच्छे फनी सा करते हैं, तो वैसे वो इस तरह के एक्टर हैं कि वो इस चीज को भी कर लेते हैं और फन को भी कर लेते हैं, बट मुझे फन वाला आई थिंक तुम्हें भी फन वाला ज्यादा अच्छा, उनके ऊपर सूट करता है, सूट भी करता है। तो यही था हमारा आज का रिएक्शन, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आयुष चौहान, आई थिंक आयुष चौहान, तो थैंक यू सो मच आपकी वजह से हम अक्षय कुमार के बारे में इतना जान पाए, इतना कुछ। और आज उनके जो वैसे भी बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन ये सब देख के जो उनके लिए रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके की अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिए, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, बता दें आप हमें हमारा जो है किसके ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हैं। इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। बहुत बोलिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।